ब्लॉग तो आज के थम्स अप पे आपने देख ही लिया होगा कि आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं कि हमारे घर में कितनी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी आई है, एक लिटिल सी गर्ल, और उसी को देखने के लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अभी हम हॉस्पिटल की लिफ्ट में हैं और अपने पेशेंट के पास जा रहे हैं, अपने नन्हे से मेहमान से मिलना जा रहे हैं। तो हम अपने पोर्शन में पहुंच चुके हैं। जितनी एक्साइटेड मैं थी उससे मिलने के लिए, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड इब्राहिम था कि हम छोटा सा बेबी देखने जा रहे हैं। इब्राहिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हम पहुंच चुके हैं जी अपने रूम में और मैं दिखाती हूँ अपनी प्यारी सी माशाल्लाह 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 गर्ल, और ये है मेरे भाई की बेटी जो राहिम अक्सर आप ब्लॉग्स में देखते रहते हैं, उसकी सिस्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है। बच्चे सारे बहुत खूबसूरत होते हैं। और इब्राहिम भी बहुत खुश था, इब्राहिम की कज़न। फिर हमने देखी बेबी, फिर हमने सबको मुबारकें दी, फिर हमने खाई मिठाई। मिठाई खाने के बाद मैंने कहा छोटा सा रूम का आपको विज़िट कराऊं, ये थोड़ा सा रूम का विज़िट कराया। और जी इसको बच्चे को बेबी को हमने डाला उसके स्विंग में, और इब्राहिम और मूसा उसके भाई आले दुआले उसके ऊपर स्विंग के ऊपर चढ़ा हुआ। इब्राहिम इतना खुश, बार बार ज़िद कर रहा था मुझे पकड़ाओ मुझे पकड़ाओ। फिर हमने बेबी के साथ बनाई पिक्चर्स, कुछ हमने ली सेल्फीज़, कुछ हमने ग्रुप सेल्फीज़ ली। और फिर यहाँ पे उसके दादा अबू देने लगे हैं उसके कान में अजान। मुसलमानों के घर में बेबी हो और उसके कान में अजान देना, मतलब हमारे तो मैंने तो जितना सुना है कि भाई मस्ट है, बेबी के कान में अजान ज़रूर देनी चाहिए। तो हमारे घर में जितने भी बच्चे हुए हैं उन सबको मेरे बाबा ने अजान दिए, चाहे वो मेरे बच्चे हैं मेरे भाइयों के बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा मेरे पापा ने ही उनके कानों में अजान दी है, बच्चों के कानों में। और यहाँ पे फाइनली हमने बेबी इब्राहिम को दे दिया क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था। और यहाँ पे वो सबको कह रहा है कि ये बेबी मेरा है और मैंने अपने घर लेके जाना है इसको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे कह रहा था जी मैंने अपने घर लेके जाना है इसको। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मूसा जो है ना उसका रिएक्शन इतना पॉजिटिव नहीं होगा जितना वो शो कर रहा है, क्योंकि घर पर मैं मिर्हा को पकड़ती थी तो मूसा बहुत ना वो होता था, जेलसी फील करता था और मुझे कहता था इसको उतारो। लेकिन इस बेबी के साथ बहुत खुश था, शायद ये बहुत छोटा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है। इतनी देर में जी आगे डॉक्टर विज़िट करने, डॉक्टर ने पेशेंट का अच्छे से विज़िट किया और जी नर्स ने बेबी को चेक किया कि भाई बेबी भी बिल्कुल फिट है एंड पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। दोनों विज़िट करने आए, डॉक्टर एंड नर्स, उन्होंने विज़िट किया, विज़िट करके चले गए। तो यहाँ पे हम कर रहे थे राहिम का वेट कि अभी तक उसने बेबी को देखा नहीं, वो आता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। उसके रिएक्शन के लिए ना मतलब मैं स्पेशल बेबी के बैक साइड पे गई कि मैं राहिम का रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकूँ कि वो फर्स्ट टाइम बेबी को देख के कैसा रिएक्ट करता है। बट अब वो कैसा रिएक्ट करेगा आगे आप वीडियो में देखोगे। यहाँ पे बेबी को हमने रखा काउच पे क्योंकि उसके ना शीट वगैरह सेट करनी थी। देन उसको वापस सेट करके उसके स्विंग में डाल दिया, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सारी अच्छे से बनाने लगे कि या जाहिर है फर्स्ट डे की पिक्चर्स हैं तो जितनी हो उतनी कम है क्योंकि हर एक के फ़ोन में बहुत सारी होती हैं, फिर भी उनको सेलेक्ट करना चूज़ करना कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं, इसलिए जितनी हो कम है। बार बार बंदा यही बनाता रहता है, फिर सारों को सेंड करनी है। यहाँ पे बेबी उठी हुई थी और वो देख रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, आंखें खोल के इधर उधर देख रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी उसकी ना पिक्चर्स भी आई हैं। तो इतनी देर में आ गया राहिम, तो ये मैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए भाई मैंने बताया था मैं स्पेशल बैक साइड पे गई हूँ, तो भाई इस लड़के ने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, ये तो सिर्फ अपने बलून के साथ खेल रहा है, इससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, बलून के साथ खेल रहा है। और खेलने के थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा के पास चला गया जी मुझे उठाओ, बस अभी कोई रिएक्ट नहीं किया। एंड यहाँ पे मिर्हा भी आ गया, तो जी ये हमारी लिटिल बेबो, इतनी क्यूट लग रही थी, ये बड़ा प्यारा सा तैयार होके आई थी क्योंकि ये भी तो अपनी कज़न को मिलने आई थी, इसकी भी तो कज़न लगी ना। इब्राहिम ने इसे भी आते ही पकड़ लिया क्योंकि इब्राहिम इससे भी बहुत ज़्यादा अटैच है, सिर्फ राहिम के साथ ही अटैच में, बाकी मिर्हा से भी बहुत अटैच है और अब मुझे उम्मीद है ये नई वाली बेबी से भी बहुत ज़्यादा अटैच होगा। तो जी ये हमारी लिटिल बेबो बहुत ही अच्छे मूड में थी, फिर हमने इसकी बच्चों के साथ बनाई पिक्चर्स। तो आज का ब्लॉग यही था, होप यू लाइक इट।